जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह मुसीबत में फंस गए। धनंजय को उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड जब एनडीए में आया है वापस, यानी नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी है और वो भाजपा के साथ आए हैं, तो चूंकि धनंजय भी उस पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, इस नाते उत्तर प्रदेश में नीतीश जी के कहने से भाजपा से जौनपुर की सीट वो छोड़ा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो धनंजय सिंह बौखलाए, फिर भी लगे रहे। लेकिन अचानक से एक फोटो आई सोशल मीडिया में कि मुंबई वाले कृपा शंकर सिंह, जो महाराष्ट्र की राजनीति करते थे, जो महा गृह राज्य मंत्री भी रहे, वो प्रधानमंत्री को एक बुके दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मुस्कुराहट के साथ उस बुके को स्वीकार कर रहे हैं। बस उस फोटो ने जौनपुर की राजनीति पलट दी, धनंजय सिंह की किस्मत पलट दी और धमाका हो गया ये कि कृपा शंकर सिंह जौनपुर से भाजपा के उम्मीदवार बना दिए गए लोकसभा चुनाव के लिए। अब धनंजय सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच रही था। बाहुबली जो उन्होंने ऐलान ठोक दिया कि जौनपुर वालों तैयार रहो, मुकाबला होगा। मतलब मुकाबला होगा, ये इसका अर्थ ये है कि भाई हम भी मैदान में उतरेंगे। यहां तक तो कहानी ठीक ठाक थी। सोमवार की शाम एक शादी में धनंजय सिंह टकराए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से। निपट एकांत में तो बात नहीं हुई, लेकिन हां उस कार्यक्रम में थोड़ा साइड से हट के जरूर बात हुई। 5-7 मिनट लोग बताते हैं कि अखिलेश यादव का हाथ पकड़ के धनंजय सिंह कुछ कुछ बताते रहे, बतियाते रहे और ये प्लीड करते रहे, ये दुहाई देते रहे कि हमको लड़ाए समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कोई बहुत आश्वस्त किया हो ऐसा नहीं रहा। देखेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, जैसी बात हो गई। और मंगलवार को, सोमवार की रात की मुलाकात हुई अखिलेश यादव से धनंजय की, और मंगलवार को 2020 के एक मुकदमे में जिसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर को और उसके सहयोगी को अपहरण करके मारने की धमकी देके रंगदारी वसूलने का मुकदमा था धनंजय और उनके साथियों के खिलाफ, उसमें धनंजय को दोषी करार दिया गया और धाराएं भी ऐसी लगाई गई जो ठीक ठाक है। सजा तो आज सुनाई जाएगी, लेकिन ना उन धाराओं में सजा 2 साल से ज्यादा की ही होगी, कम का होने का प्रश्न नहीं। इस एमपीएमएलए कोर्ट का फैसला, इसका मतलब धनंजय चुनाव नहीं लड़ सकते अब। और मंगलवार की शाम होते होते धनंजय बाबू भेज दिए गए जेल। अब पूर्वांचल की राजनीति में खटबदाहट होना स्वाभाविक है। बाहुबली हैं, सांसद रहे हैं बसपा से धनंजय, 2 बार विधायक रहे हैं। अब हंगामा, कहा जा रहा है धनंजय के जाने के बाद अब उनकी पत्नी श्रीकला चुनाव लड़ेगी। हालांकि कल तो धनंजय कह रहे थे जेल के दरवाजे पर खड़े होके कि कोई आफत नहीं आई, ये देखते हैं, लेकिन लगता है आफत तो आ गई। जिन धनंजय को लगता था कि जौनपुर में वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू की टिकट पर उम्मीदवार हो जाएंगे और भाजपा का समर्थन उनको मिल जाएगा, वो धनंजय चुनाव से ठीक पहले जेल पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी को और उनके उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह को सूट करती है, उनके लिए सुविधाजनक है। कृपा शंकर सिंह की यूं भी लॉटरी लगी है, रहने वाले जौनपुर के हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक कर्म क्षेत्र महाराष्ट्र रहा,
वो वहां कांग्रेस के बड़े नेता रहे, गृह राज्य मंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन ग्रहों का खेल देखिए, सियासत के अजब गजब पैंतरे देखिए कि धनंजय टापते रह गए और कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होके अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा दे रहे हैं जौनपुर में। तो कुल मिला के तस्वीर जौनपुर की रोचक हो गई। एक सवाल यह भी गूंज रहा है कि क्या अखिलेश यादव धनंजय सिंह की पत्नी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे। एक प्रश्न यह भी है कि क्या उनकी पत्नी चुनाव लड़ने का हौसला जुटाएंगी, क्या जेल में रहते हुए धनंजय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ठीक ठाक ढंग से चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे। ये तमाम सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं। और उस सबसे बड़ा मसला ये कि आज जब सजा सुनाई जाएगी धनंजय को 2020 के इस मामले में, अपहरण वाले मामले में, तो उनको कितने वर्ष की सजा होती है, कितनी सजा होती है, ये भी एक उसमें महत्वपूर्ण एंगल है, महत्वपूर्ण कोण है इस पूरे एपिसोड में। अगर 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा होगी तो ये तय हो जाएगा कि अगर उनको हायर कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो धनंजय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और चूंकि अब चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, हफ्ते भर के भीतर अधिसूचना जारी हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है, तो इन चुनाव के वक्त धनंजय सिंह के सपने टूटकर बिखरते दिख रहे हैं। अन्यथा धनंजय सिंह को लग रहा होगा आज से 15 दिन पहले, जब तक कृपा शंकर सिंह की टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, कि भाजपा की लहर भी चल रही है, हम अलायंस में भी हैं, जय जय है। हो सकता है उनके स्वप्न में संसद का नया भवन भी आता हो, कि अब वहां पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं है। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था और संसद जाने की बजाय धनंजय पहुंच गए जेल। और आज के दौर में कुछ ऐसा चलन है कि जो एक बार जेल गया वो फिर लंबे समय तक रहता है। तमाम उदाहरण है, नाम लेने की जरूरत नहीं, कहां तक नाम लीजिएगा, जो गया सो फिर गए ही, फिर उसके निकलने की बड़ी मुश्किल हो जाती है संभावना। बड़े बड़े नेता चले गए जेल, ये तो बाहुबली है, बड़े बड़े विशुद्ध नेता जेल चले गए, वो तक नहीं छूट पाए, जमानत नहीं पाए। तो धनंजय के साथ भी कुल क्या वैसी ही स्थिति बनेगी? क्या धनंजय का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया? क्या धनंजय का की जो बाहुबली वाली छवि है वो खंडित हो गई? ये तमाम सवाल हवा में तैर रहे हैं, जो पूर्वांचल की राजनीति में तैर रहे हैं और विशेष रूप से जौनपुर में तैर रहे हैं। और देखना ये है कि क्या सपा या बसपा जैसी कोई पार्टी धनंजय की पत्नी या धनंजय की ओर से जो भी अगर कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए लोकसभा चुनाव में, तो क्या उस पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं भाजपा के खिलाफ? अगर हैं तो तब भी थोड़ी स्थिति कुछ बनती है मुकाबले की, अगर ऐसा नहीं होता तो मानकर चलिए धनंजय अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरने जा रहे हैं, जहां वो निपट अकेले हैं। हालांकि ये धनंजय कौतुकी हैं, इनके जीवन में तमाम विचित्र किंतु सत्य घटनाएं घटी। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके एनकाउंटर की मिठाई बांट दी थी, लड्डू खा लिए थे, शाबाशी ले ली थी कि धनंजय मारे गए, और धनंजय 3 महीने बाद कोर्ट में हाजिर हो गए थे, बोले जी मैं तो जिंदा हूं। तो कौतुकी है धनंजय सिंह, लेकिन इस बार कोई कौतुक काम आएगा इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जेल, और वो भी बड़ी और कड़ी धाराओं में। अब देखना ही होगा कि क्या धनंजय की पत्नी श्रीकला धनंजय की अनुपस्थिति में जौनपुर से पर्चा भरेंगी, क्या श्रीकला को समाजवादी पार्टी या बसपा किसी का की उम्मीदवारी हासिल होगी या निर्दलीय मुकाबला होगा। तो निगाह बनाए रखिए, जौनपुर की लड़ाई रोचक हो गई है। धन्यवाद।